यूपी के जनपद अमेठी में सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज की रसोइया की सोमवार सुबह धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेज दिया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के साधना बाबूगंज का। महाराज ये किस तरीके का क्या है? परमहंसाश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज जनपद अमेठी का एक धार्मिक पीठ है। मेरे भास्कर द्विवेदी जी जो बाजगढ़ी गौरीगंज थाना के निवासी हैं, आज 17 वर्षों पूर्व जब मुझे पॉइजन दिया गया दूध में, तब से मैं कहीं बाहर फलाहार नहीं लेता हूं। ये परिवार मेरे पारिवारिक जन्मस्थान से जुड़ा है। मेरी बुआ जी की जो भतीजी थी वो इनको ब्याही गई थी, तब से पति पत्नी दोनों लोग मुझे फलाहार देने की व्यवस्था करते थे। मैं दिन में कोई जल नहीं पीता, मैं सुबह जल पीता हूं और शाम को जल पीता हूं। दिन में फलाहार लेता हूं, सुबह वाला पानी उबाल करके वो क्रम के हिसाब से रोज 5 बजे अपने घर के लिए प्रस्थान करती थी, शाम को आया करती थी। आज भी जैसे आश्रम पार की है, आश्रम के बाहर उन्हें पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया कुल्हाड़ी से। हम तो जुड़ाने नहीं, घटनास्थल पर सूचना मिली, मैं वहां पहुंचा हूं। मैंने देखा उनका पर्स और मोबाइल ऊपर नीचे रखा था, मोबाइल ढक्कन अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल बज रहा था, स्विच ऑफ नहीं था, और उनकी साल अलग पड़ी थी, माला अलग टूटा पड़ा हुआ पड़ा था, और वो वहां अस्तव्यस्त पड़ी थी। हम लोग उनको लेकर जिला अस्पताल आए हैं, यहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी है। लेकिन इसमें स्थिति में क्योंकि एक इसके पूर्व भास्कर द्विवेदी जी के जो पिताजी थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनका अपहरण किया गया था। 5 बीघे जमीन हैबी की लिखा करके तमाम आतताई गुंडों ने उस जमीन करोड़ों की जमीन को बेच करके वहां कब्जा किया। उसमें कई लोग उस जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे, इसको लेकर के आए दिन विरोध करते थे। कुछ जमीन उसकी भी निर्माणाधीन बाकी थी, इसको लेकर के परिस्थिति थी, और उन्हीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दिया है। और हत्या करके इसलिए इनके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी की डॉक्टरी पढ़ रही है, बच्चे सभी पढ़ लिख रहे हैं। बात कर जी सीधे साधे ईमानदार सज्जन व्यक्ति क्षेत्र के, मेरे स्वाभिमान पर आक्रमण है क्योंकि मैं बार बार प्रशासन से कभी कभी कहा करता था कि इस परिवार की हत्या की जा सकती है, अपराधी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हर समय लापरवाही हुई और हुआ वही जिसकी मुझे आशंका थी। आज उस परिवार का जो होना जो होना व्यक्तित्व था। उनका शव प्राप्त हुआ है और उनसे जुड़े लोगों का मतलब सड़क के किनारे शव प्राप्त हुआ है, शरीर पर चोटें हैं और उनसे संबंधित परिवारिक जन हैं। उनका कहना है कि उनकी हत्या हुई है। इस संदर्भ में उनके पत्र लोगों को सौंप दिए हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।